अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। ये ऐतिहासिक फैसला भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कह दिया कि अयोध्या की विवादित ढांचे वाली जमीन पर मंदिर बनेगा। वहीं इसके बदले मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष को सरकार 5 एकड़ जमीन उपयुक्त स्थान पर देगी। अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने को कहा। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में उपयुक्त स्थान पर 5 एकड़ का प्लॉट देने का आदेश भी दिया। ये फैसला 5 जजों ने सर्वसहमति से दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ASI ने इस तथ्य को स्थापित किया कि गिराए गए ढांचे के नीचे मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा सबूत है कि बाहरी स्थान पर हिंदुओं का कब्जा था और इस पर मुस्लिम पक्ष का कब्जा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुस्लिम समाज अंदरूनी भाग में नमाज भी करते रहे। कोर्ट ने माना कि बाबर ने मस्जिद बनाई थी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समाज कोई सबूत नहीं दे सके कि इस जगह पर उनका कब्जा था और नमाज की जाती थी, जबकि विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि हिंदू यहां पूजा करते थे। कोर्ट ने कहा कि यात्रियों के विवरण को सावधानी से देखने की जरूरत है। वहीं गजट ने इसके सबूतों की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्म स्थान पर ASI की रिपोर्ट मान्य है। 135 साल बाद आए इस ऐतिहासिक फैसले का इतिहास 500 वर्ष से ज्यादा पुराना है। आज तक के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला मुकदमा है। आइए एक नजर डालते हैं इस मामले के इतिहास पर। ISO 1528 में राम जन्मभूमि पर कथित तौर पर मस्जिद बनाई गई थी। पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार यहां भगवान राम का जन्म हुआ था। 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। 1859 में अंग्रेजों ने मुसलमानों को अंदर और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव बढ़ता देख सरकार ने ढांचे के गेट पर ताला लगवा दिया। 1986 में जिला जज ने विवादित स्थल को हिंदुओं के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। 1989 में VHP ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर मंदिर की मुहिम शुरू कर दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया। इसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहान आयोग गठित किया गया। लिब्रहान आयोग को 16 मार्च 1993 को मामले में रिपोर्ट देने में 17 साल लग गए। विवाद बढ़ता देख केंद्र सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया। जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में इस्माइल फारूकी ने चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सिर्फ इस जमीन का संग्रहक है। जब मालिकाना हक का फैसला हो जाएगा तो मालिकों को जमीन लौटा दी जाएगी। 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से ये जमीन मांगी, लेकिन ये मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे 1997 में हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया। 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुई तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 2003 में इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। 30 जून 2009 को लिब्रहान आयोग ने 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपा। लिब्रहान जाँच आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 31 मार्च 2009 को लिब्रहान आयोग का कार्यकाल अंतिम बार बढ़ाई गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या के विवादित स्थल को राम जन्मभूमि करार दिया था। हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्माही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच जमीन बराबर बांटने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुमत से फैसला दिया कि विवादित भूमि हिंदू गुटों को दे दिया जाए। हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। हाईकोर्ट ने सीता रसोई और राम चबूतरा का हिस्सा निर्माही अखाड़े को देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने विवादित भूमि का एक तिहाई हिस्सा मुसलमान गुटों को देने का आदेश दिया, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने हाईकोर्ट के इस निर्णय को मानने से अस्वीकार कर दिया। तीनों पार्टियां निर्माही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान ने फैसला मानने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील दायर की गई। ये मामला पिछले 9 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था।
सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया। 70 साल बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया था। इस केस में 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हुई। इस मामले पर 40 दिन तक हुई सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति बोबड़े, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर थे। अब इस फैसले के बाद देश के एक बड़े मसले का समाधान हो गया। सभी देशवासियों को शांति और सौहार्द कायम रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।